Hello student, in today's we are discussing about ratio and proportional. We are discussing in today's the basic concepts such like mean proportional, third proportional and fourth proportional. So firstly, mean proportional. So A, that is the first number, x proportional to x is to b. Clear? So A divided by x, x divided by b, so x into x, a into b, so x square is equal to a b. Okay, so x is equal to square root of a b. So this is a formula. This is a formula. Okay, यहाँ तक समझ में आया? ये फार्मूला है मीन प्रोपोर्शनल का. अगर किसी ने कहा कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मीन प्रोपोर्शनल निकालिए 4 and 16 का. किसी ने पूछा कि 4 and 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकाले, तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है. तो हम इसे डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ a इंटू बी. ओके, अब a की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 4 है, एंड b की कितनी है? 16 है, राइट. अब मुझे बताओ ये 4 किसका स्क्वेयर है? तो ये है 2 का, तो बाहर निकाल लिया. ये 16 किसका स्क्वेयर है? 4 का, बाहर निकाल लिया. तो 4 2 कितना हो गया? 8. सो मीन प्रोपोर्शनल कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 8. क्लियर हो गया? हाँ या ना? इस 4 को बाहर कैसे निकाले भाई? मुझे ये तो बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसकी वैल्यू है? 2 की. स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसकी वैल्यू है? 4 की. 4 2 8, सिंपल. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल. क्या फाइंड करना है? मीन प्रोपोर्शनल, विच वैल्यू? 100 वैल्यू एंड 625. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, दैट इज ए, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, दैट इज बी. अब मीन प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है? दैट इज 100 इन टू एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स इज टू 625. ओके, सो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय x, x डिवाइड बाय 625, x x x स्क्वायर 100 इंटू 625. सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 625. अब मुझे स्टूडेंट यहाँ पे ये क्लियर करो कि ये 100 किसका है? क्या 100 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? 10 into 10, राइट, एंड 625 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? 25 into 25. हाँ या ना? अगर आपको स्क्वायर रूट पता नहीं हो तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 10 कॉमन निकलेगा. इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 25 कॉमन निकलेगा. जस्ट 1 मिनट. सो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? 10 बाहर निकलेगा. यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? 25. सो 25 10 कितना हो जाएगा? 250. सो मीन प्रोपोर्शनल कितना हो गया? 100 and 625 का 250. अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी हम स्टेप नहीं कर पाएंगे, है ना, शॉर्टकट बताइए. तो स्टूडेंट आपके लिए शॉर्टकट है कि ये फार्मूला यूज़ करो. कौन सा फार्मूला यूज करो? स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड बी. सो ए मीन्स फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पे? 100. सेकंड नंबर कितना है यहाँ पे? 625. और आपको पता होना चाहिए कि 100 किसका स्क्वायर, किसका नंबर आता है? ये 10 का स्क्वायर आता है. और 625 किसका स्क्वायर आता है? 25 का आता है. तो इसी तरह से कितना मिलेगा? 250. तो सो इस वे से हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं. अगर आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो. क्लियर? चलो आगे बढ़ते.
सो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ 9 and 7. सिंपल, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करो. कौन सा फार्मूला यूज करोगे? x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी. चलो बताओ फर्स्ट नंबर कितना है. तो आप कहोगे सर फर्स्ट नंबर तो 9 है एंड बी मतलब लास्ट नंबर कितना है 27 है. तो मुझे ये बताओ ये 9 किसका स्क्वेयर है? वन मिनट. 3 × 3 = 9 and 27. 9 × 3 क्लियर हाँ या ना? हाँ या ना? सो 3 × 3 9 को अगेन ब्रेक किया मैंने 3 × 3 and 3 एज इट इज. क्लियर हो गया यहाँ पे? इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा. सो इन में से 3 कॉमन निकल गया, इन में से 3 कॉमन निकल गया, बचा कितना अंडर रूट? बचा कितना? 3. सो 3 × 3 = 9, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो दैट इज आवर आंसर, है ना? दैट इज आवर आंसर. नोट करो इसको. सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ 3 and 7. कितनी वैल्यू बोला? 3 and 7. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ बी. सो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए? 3. एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी? 27. राइट. अब स्टूडेंट मुझे ये बताओ क्या मैं इस 27 को ब्रेक कर सकता हूँ? बिल्कुल. 9 3 = कितना? 9 3 = ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे, हाँ या ना? अब मुझे बताओ ये 3 3 पास पास में लिख दिया और इस 9 को 3 × 3 से ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? सो इन में से 3, इन में से 3. सो यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, यहाँ से 3 कॉमन. सो 3 3 = 9. सो इसका आंसर कितना आएगा? 9. सो मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ 3 and 27 कितना आ गया इसका? 9. क्लियर हो गया? चलो कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं. सो फाइंड दी मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.06 and 0.96. ओके सो स्टूडेंट क्या निकालना है? मीन निकालना है. क्या निकालना है? मीन. सो मीन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी. ये फार्मूला है ना? सो मुझे बताओ ये 0.06 यहाँ पे क्या किया मैंने? 0.06 × 0.96. अब स्टूडेंट ये कैसा है? डेसिमल में है. तो इसके पहले हमने डेसिमल में देख चुके थे. क्या देखा था? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है. मतलब यहाँ पे एक के ऊपर 2 0 लगेगा. तो यहाँ पे कितना आएगा? 6. यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 6/100. यहाँ पे कितना है? 96 एज इट इज. और यहाँ पे कितना आएगा? 100. ठीक है, 100 क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 0, तो मतलब एक के ऊपर 2 0. ठीक है, अब 6 × 96 मल्टीप्लीकेशंस करेंगे. सो स्टूडेंट 6 एज इट इज, 96 मीन्स 16 × 6. 16 × 6 का मतलब कितना हुआ? 96. तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 6 बाहर निकलेगा. और 16 बोले तो किसका स्क्वायर है? 4 का है या नहीं है? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 10 कॉमन निकलेगा. इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 10 कॉमन निकलेगा. सो यहाँ पे कितना हुआ? 6 × 4 = 24. और यहाँ पे कितना है? 10 × 10 = 100. अगर मुझे इसका आंसर निकालना है एक के बाद 2 0, मतलब यहाँ पे 0.24 इसका सही आंसर होगा. सो इसका आंसर कितना आएगा? 0.24. 96 को 16 × 6 से किया, 16 × 4 = 16, 6 × 6 = 36. तो यहाँ से 6 कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन. सो आंसर विल बी 0.24.
चलो आगे बढ़ते और एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 and 0.24। सो अगेन क्या पूछा है, फोकस कीजिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, मीन। सो यहाँ पे मीन का फार्मूला पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी, क्लियर हो गया, एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, डैट इज 6, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.54, ओके। सो स्टूडेंट यहाँ से दो रास्ते हमारे पास है, कौन कौन से रास्ते हैं, अगर आप चाहो तो इनका डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, 6 into 0.54, अगर आपने इसे सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशंस भी कर दिए, सो मल्टीप्लिकेशंस पे हमारे पास कितनी वैल्यू मिलती है, 3.24, कितनी वैल्यू मिलती है, 3.24। और हमें ये पता है कि 324 ये किसका स्क्वायर आता है, ये आता है 18 का, किसका आता है, 18 का। और यहाँ पे 3.24 है, मतलब आंसर यहाँ पे कितना होगा, 1.8। सो यहाँ से भी हमारा आंसर निकल सकता है अगर हम यहाँ से डायरेक्ट मल्टीपल करें तो। अगर इस स्टेप से नहीं जाना है तो चलो, तो दूसरा रास्ता भी हमारे पास है, कैसा, डेसिमल वाला। देखो 6 into 0.54 को मैंने कैसे लिखा, 54/100, कैसे लिखा, 6 into 54/100। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, 54 का मतलब कैसा, 9 6 जा, हाँ या ना, 9 6 जा 54 ना, सो 9 6 जा 54। अब मुझे स्टूडेंट यहाँ से ये बताओ, दोनों में 6 6 है तो ये कॉमन निकल गया, राइट। इस 9 का है, 9 का कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 3 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 3 जा 9, और यहाँ से 100 का कितना निकलेगा, ऑब्वियसली 10 निकलेगा, हाँ या ना। अब 6 3 जा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 6 3 जा तो 18 होता है, और 18/10 करेंगे तो आंसर विल बी कितना होगा, 1.8। सो आप इस स्टेप से करो या फिर इस स्टेप से करो, ठीक है, चॉइस आपकी है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर निकलेगा, इस तरह से करोगे तो इससे भी आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 1.8, डैट इज ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। सो फाइंड दी मीन प्रोपोर्शनल, क्लियर हो गया। चलो कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड दी मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 14/7 एंड 225। सो स्टूडेंट अगेन यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मीन। सो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, सो ये तो हमारा फार्मूला है। अब स्टूडेंट ये कैसी, ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन नंबर है और ये तो सिंपल सा एक नंबर है, राइट। अब इस फ्रैक्शन को अगर हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ, कैसे क्लियर करूँगा, देखो यहाँ पे 5 14/7 है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ये 5 यहाँ पे चला गया और यहाँ पे कितना आ गया, 14/7, हाँ या ना। इसे ही हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 एक साइड में और 14/7 एक साइड में, अगर दोनों का प्लस करो तो कितना बनेगा, 5 14/7। सो 5 एज इट इज़, 14/7 मीन्स कितना हो गया, 2। सो 5 + 2 कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 7। सो मैं 5 14/7 को मैं 7 वैल्यू यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। चलो किसी को ये भी स्टेप पसंद नहीं आया तो कोई दूसरा स्टेप यूज कर सकता है, कैसा, 5 7 जा 35 कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 प्लस 14/7। समझ में आया कि नहीं आया, इससे ऐसे किया 5 7 जा 35, फिर इनका किया प्लस, सो ये कितना होगा यहाँ से 9, ये हो जाएगा 49/7, और 7 7 जा 49। तो आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, स्टेप क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, हाँ हाँ या ना। सो तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 5 14/7 इसकी वैल्यू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7, कितना लिख सकता हूँ 7,
और सेकंड वैल्यू कितनी है 225। और मुझे ये पता है कि 225 ये 15 का स्क्वायर आता है, तो मैंने 15 पहले ही बाहर निकाल लिया और बचा क्या अंडर रूट 7, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है, हाँ या ना। सो दिस इज माय आंसर, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, सो इसका और ऑप्शन होगा 1575। अगर वो स्क्वायर रूट नहीं निकाले तो ये भी ऑप्शन होगा और ये भी ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम था मिक्स फ्रैक्शन के साथ। चलो एक प्रॉब्लम और देखते हैं इस तरीके से, है ना। सो फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 417/2 एंड 50। सो अगेन यहाँ पे क्या निकालना है, मीन निकालना है। ये दो हमारे पास नंबर है, तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्या नंबर है भाई यहाँ पे, 417/2, यही है। 4 2 8, 8 + 17 दैट इज 25। सो दैट इज 25/2। सो फर्स्ट नंबर 25/2 एंड सेकेंड नंबर दैट इज 50। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का सिंपल फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, हाँ या ना। सो फर्स्ट नंबर कितना है, 25/2 इनटू सेकेंड नंबर। क्लियर हो गया? सो मुझे स्टूडेंट यहाँ से बताओ, 50/2 करूँ तो आंसर कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 25 और 2 1 2 और 225 50, और दोनों में से क्या कॉमन निकल के आ रहा है, यहाँ से आंसर निकल के आ रहा 25। सो मीन फ्रैक्शंस ऑफ 417/2 एंड 50 आंसर विल बी 25। क्लियर हो गया? सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया एंड सेकेंड नंबर क्या था यहाँ पे, 50। चलो क्लियर हो गया यहाँ पे, बहुत इजी था ये भी क्वेश्चंस। चलो आगे एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर कुछ होमवर्क पार्ट। सो एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द क्वांटिटीज 6 4/2 एंड 9। ओके, यहाँ पे अगेन मीन पूछा गया है और दो नंबर का पूछा गया। सो 9 नंबर इज ए रियल नंबर, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, बट दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शंस। सो अगेन यहाँ पे कितना है, 6 4/2, तो मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। 6 2 12, 12 + 4 16, और 16/2 दैट इज द 8, एंड सेकेंड नंबर विल बी 9। अभी हमें क्या करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। सिंपल पुट, एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए इंटू बी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए, सो 8। वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी, 9। 8 9 = 72, 8 9 = 72, ये भी एक ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, 72 भी ऑप्शन है, 72 स्क्वेयर रूट ऑफ 72 भी एक ऑप्शन है। 8 9 = 72, 8 को 4 × 2 में ब्रेक किया और 9 एज इट इज, 4 बाहर निकल के आ गया 2, 9 बाहर निकल के आ गया 3, और बचा क्या अंदर में, स्क्वेयर रूट ऑफ 2। सो 2 × 3 डेट इज 6 स्क्वेयर रूट ऑफ 2। सो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन में 72 दिया है तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन दिया तो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत इजी वैसे समझा रहा हूँ स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो स्टूडेंट देयर आर 4 प्रॉब्लम्स एंड दिस प्रॉब्लम्स इज योर होमवर्क।
ओके दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 फाइंड द मीन 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 टू वैल्यूज सो दिस इज ए सिंपल टास्क फॉर यू ये काफ़ी आसान टास्क है आपके लिए और इससे जो भी आंसर निकलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा ठीक है दिस इज योर होमवर्क पार्ट दिस इज योर होमवर्क पार्ट चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं सो थर्ड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट ओके सो A is to B proportional B is to X that is a first number second number and third number क्योंकि यहाँ पे third proportional की बात की जा रही है इसलिए third number को हमने X माना so A divide by B B divide by X so A into X, B into B और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए थर्ड नंबर सो X इज इक्वल टू B into B डिवाइड बाय A, B into B डिवाइड बाय A. सो दिस इज our formula so third proportional is equal to x is equal to b into b divide by a clear ho gaya this is our formula so student copy karo isko aur hum kuch problem ko solve karke dekhte hai so student example number first Find the third proportional of 9 and 27. So student यहाँ पे third proportional पूछा गया है right? और यहाँ पे दो values देखे रखा है So हम इसे direct formula से solve करते हैं So x is equal to b into b divide by a तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बी ए मीन्स फर्स्ट नंबर बी मीन्स सेकेंड नंबर सो बी बी मीन्स 27 इंटू 27 डिवाइड बाय ए ए मीन्स 9 और 9 वन ज़ा 9 9 थ्री ज़ा 27 सो 27 into 3 इसका मल्टीपल करने पे हमारा आंसर मिलेगा 7 3 is 21 रिमेनिंग 2 3 2 is 6 और 8 सो 81 इज आवर आंसर सो थर्ड प्रोपोर्शनल मीन्स 81 क्लियर हो गया सो डायरेक्ट फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया और इसका आंसर निकाला ओके चलो और सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम सो एग्जांपल नंबर्स सेकेंड फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 6 ओके सो अगेन थर्ड प्रोपोर्शनल सो आई यूज द फार्मूला एक्स इज इक्वल टू बी इनटू बी डिवाइड बाय ए सो फर्स्ट नंबर consider B A and second number consider B B so what is the value of B 6 into 6 and what is the value of 4 oh sorry what is the value of A 4 so 2 2's are 4 2 3's are 6 so yahan pe 3 into 6 divided by 2 2 1's are 2 2 3's are so 3 into 3 or answer should be 9 so third proportional of 4 and 6 will be or should be 9 okay so is tarike se hum iska answer nikal sakte hain chalo I think this is clear to everyone
चलो कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करके देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 12। अगेन स्टूडेंट नोट डाउन, थर्ड प्रोपोर्शनल दैट इज एक्स इज इक्वल टू बी इंटू बी एंड ए। सो दैट इज द फर्स्ट नंबर एंड दैट इज द सेकेंड नंबर। ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 12 इंटू 12। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 36। सो 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12। सो आंसर विल बी 4। सो थर्ड नंबर, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 4, 12 इज 4। सो आंसर विल बी 4। कितना इजी था? 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 36, 12 वन जा 12, 3 जा 12 बाई 3, आंसर विल बी 4। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल 36 एंड 18। अगेन स्टूडेंट फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। सो एक्स इज इक्वल टू बी इन टू बी डिवाइड बाय ए। सो 36 फर्स्ट नंबर एंड 18 लास्ट नंबर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 18 इन टू 18 डिवाइड बाय 36, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 18 डिवाइड बाय 2 एंड आंसर विल बी 9। बहुत इजी था, 10 सेकंड या 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो आप। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ रुपीज़ 1.60 एंड रुपीज़ 40, रुपीज़ 0.40। सो कंसीडर, इससे हम फर्स्ट नंबर एंड कंसीडर विल बी सेकेंड नंबर एंड फाइंड आउट द थर्ड। सो एक्स इज इक्वल टू बी इन टू बी डिवाइड बाई ए। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? 0.40 इंटू 0.40 डिवाइड बाय ए 1.60। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, तो ये पॉइंट पॉइंट तो यहाँ से कैंसिल हो गया, आया ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ 040, 0.40 एंड 160, ठीक है? ये लिख दिया यहाँ से, तो यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना? 4/16, तो 4 वन ज़ा 4 एंड 4 फोर ज़ा 16। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे 0.4 एंड डिवाइड बाय 4। अब 0.40 है यहाँ पे स्टूडेंट, क्या है? 0.40 है, तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो 0.10 आना चाहिए। अब 0.10 को हम कभी कभी 0.1 भी लिख सकते हैं, आया ना? 0.10 को 0.1 भी लिख सकते हैं, तो यह इस जगह पे दोनों भी हमारे ऑप्शन सही होंगे। तो 0.1 भी आंसर सही है और 0.10 भी आंसर सही है। क्लियर हो गया? तो ऐसे प्रॉब्लम आए तो डरिएगा मत, पहले सबसे पहले पॉइंट पॉइंट निकालिए, इजी है, कर सकते हो आप। चलो और प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5.25 एंड 7। सो स्टूडेंट अगेन यहाँ पे थर्ड पूछा गया है और यहाँ पे दो नंबर्स दिए हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ ए एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ बी। एंड थर्ड, थर्ड का मतलब क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू बी इन टू बी डिवाइड बाय ए। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी?
सो बी इज इक्वल टू 7 × 7 डिवाइड बाय 5.25, यही हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे कितना है 5.5, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 7 5.25। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर है, मतलब यहाँ पे एक के ऊपर टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो 7 × 7 ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 100 और नीचे कितना बचा यहाँ पे 5.25। क्लियर हो गया ये 5.25 100 ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ गया 5.25। सो ये 25 है, मतलब 25 से डिविजिबल होगा 7 × 7 25 × 4 = 100। सो इसमें से 25 अगर कॉमन ले लिया 25 × 2 = 50, रिमेनिंग 2 × 25 = 1 यानी कितना आ गया 21। सो यहाँ से यह समझ में आएगा ना, इसको 25 से डिवाइड किया, 5.25 को 25 से डिवाइड किया, 25 × 21 करोगे तो हमें 5.25 मिलेगा। सो 25 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे, 7 × 3 = 21। सो आंसर कितना होगा यहाँ पे 7 × 4 = 28 डिवाइड बाय 3। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 / 3। और अब ये तो हो गया सिंपल में, मतलब फ्रैक्शंस में, कभी कभी मिक्स फ्रैक्शंस में अगर पूछ लिया जाए तो इस ऐसा भी ऑप्शन दिया जा सकता है 9 × 3 = 27 27 + 1 = 28 / 3। सो दोनों ऑप्शन हमारे सही है, ये फ्रैक्शंस नंबर एंड ए मिक्स फ्रैक्शंस नंबर। चलो अगर नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे फिर से रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि क्या नहीं समझा और क्या समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 11, 13 and 26। आप यहाँ पे स्टूडेंट आप तो कन्फ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि अभी तक तो हमने दो नंबर देखा था, है ना। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए उसमें सिर्फ दो ही नंबर थे ए एंड बी, लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर है। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट कौन सा नंबर सॉल्व करना है थर्ड नंबर। सो 11 को अगर हम फर्स्ट माने तो 13 को हम सेकंड मान सकते हैं, इसके आगे प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे थर्ड नंबर हमें निकालना है, तो थर्ड नंबर को मैंने एक्स माना = 26। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई पहले बताइए। सो 11 फर्स्ट, 13 सेकेंड, 26 फोर्थ, लेकिन थर्ड नंबर मुझे नहीं पता, तो मैंने थर्ड नंबर को एक्स माना। सो यहाँ पे क्या करूँगा 11/13 एक्स डिवाइड बाय 26। सो 13 × x 11 × 26, मुझे चाहिए थर्ड नंबर। सो x एज इट इज 11, 26 एंड 13 इस जगह आ जाएगा। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 11 × 2 and 11 × 2 = 22. So this is our answer. So answer will be 22. So यहाँ पर x की जगह क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए। समझ में आ गया हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो स्टूडेंट अभी हम शॉर्टकट ट्रिक की बात करते हैं।
तो ये हमारा सवाल था 11:13 प्रोपोर्शनल x:26, राइट। तो स्टूडेंट ये देखो, ये हमारा प्रॉब्लम था 11/13 x/26। स्टूडेंट अगर कंपेयर करो, यहाँ पे कितना है 13, यहाँ कितना है 26। सो यहाँ पे अगर 13 2 20 होता कि नहीं होता, 13 2 20, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 22। सो यही हमारा आंसर है, चेक करो यहाँ पे, हाँ या ना। तो यहाँ पे सिर्फ कंपेयर करना, 13 मतलब इन दोनों की कंपैरिजन करो और जो नंबर नीचे में है वही नंबर इसे मल्टीप्लाई करो। सो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से, हाँ या ना। चलो कुछ प्रॉब्लम और। सो एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल 2 9 15। सो अगेन यहाँ पे थर्ड पूछा गया है, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, एंड ये हो गया हमारा लास्ट, और थर्ड पूछा है। थर्ड मतलब यहाँ पे सबसे पहले 2:9 आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा, और यहाँ पे थर्ड नंबर की जगह हम यहाँ पे एक्स कंसिडर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 15। ओके, सो 2/9 x/15, सो 9 × x, 2 × 15, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x एज इट इज 2 × 15/9। सो 3 3 = 9, 3 5 = 15, सो 10/3, और यही हमारा आंसर है 10/3। क्लियर हो गया। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 10/3, इसे हम 3.33 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। और हम मिक्स फ्रैक्शन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 3 = 9 + 1। सो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, और ये भी ऑप्शन सही है। हमें चेक करना पड़ेगा कि डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शंस में दिया है, या मिक्स फ्रैक्शंस में दिया है। सो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा, 3 10/3। ओके, चलो आगे बढ़ें। सो एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 3x x + 5 5x - 1 इफ x = 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ओके? यही पूछा गया है ना कि x = 2 है तब वैल्यू क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे कितना है 3x, सो यहाँ पे कितना होगा 3x, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 = 6। सो फर्स्ट नंबर 6 आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 2 रखा तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे 5x की वैल्यू कितना 2 रखता हूँ, सो 5 2 = 10, 10 - 1 तो यहाँ पे कितना आ गया 9। सो मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी मिली, मेरे पास वैल्यू मिली 6 7 एंड 9। सो ये है मेरी वैल्यूज़। अब उसने पूछा क्या है थर्ड, सो थर्ड के लिए क्या करूँगा, 6:7। थर्ड पूछा मतलब तीसरे नंबर पे मैं एक्स कंसिडर करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 9। सो 6/7 = x/9। सो 7 × x 6 × 9। सो मुझे x की वैल्यू चाहिए, x एज इट इज 6 × 9/7, राइट। सो यहाँ पे 9 6 = 54 और 54/7। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करो, नहीं तो यही पे रहने दो, 54/7। सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे पहले वैल्यूज़ निकाला हमने, x की वैल्यू पुट किया, इससे 3 नंबर निकाले हमने, 3 नंबर में से हमें थर्ड नंबर नहीं पता था, तो x की वैल्यू यहाँ पे 54/7।
सो क्लियर हो गया। मुझे लगता है इतने सारे प्रॉब्लम बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। यहीं पे मैं रुक जाता हूँ, चलो कुछ नए कॉन्सेप्ट की बात सीखते हैं अभी। दिस इज द टास्क फॉर योर होमवर्क। होमवर्क फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे पांच प्रॉब्लम दिए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके चलिए।